सीवान संसदीय सीट की अगर बात करें तो मतगणना कार्य शुरू हो गया, लगभग आधे घंटे हो गए सीवान सीट के लिए मतगणना। दरौली और सीवान अभी दो जगह का जो रुझान सामने आ रहा है, अंदर से जो मजिस्ट्रेट आए हैं उनके द्वारा जो अभी जानकारी दी जा रही है वह यह जानकारी प्राप्त हुई है कि दरौली विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू की कविता सिंह आगे जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सीवान विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राजद के प्रत्याशी हिना साहब आगे हैं। और जिस तरह से अभी जो रुझान है, अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीत रहा है या फिर कौन हार रहा है, इसको लेकर के जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं इस तरह से। हालांकि इस पूरे मामले पर हमारे साथ लाइव 10 के संवाददाता साकिब मौजूद है, साकिब अहमद, इनसे हम जानेंगे कि जो अभी रुझान जो जैसे कि आए हुए हैं आज, ये थोड़ा सा इधर जो जिस तरह से रुझान जो अभी आए हैं कि दरौली से जेडीयू से जेडीयू की कविता सिंह आगे जा रही हैं, सीवान विधानसभा से हेना साहब आगे जा रही हैं, तो इसे अभी फिलहाल क्या माना जाए? अभी तो ये स्टार्टिंग रुझान है, अभी तो ये स्टार्टिंग रुझान है, अभी बहुत सारा बाकी है हर जगह का। अभी देखिए आगे क्या होता है, अभी तो दोनों आदमी का बराबर चल रहा है, एक जगह से आगे पीछे, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या रुझान आएगा आगे चल के। दो तीन हो जाएगा, दो तीन जगहों का, उसके बाद ही समझ में आएगा कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। यानी कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, आधे घंटे हो गए, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है सीवान में? कुछ आंकड़ा है कुछ इस तरह की? नहीं, ऐसा कुछ आंकड़ा नहीं है, दोनों आदमी में ऐसा लग रहा है कि जोरदार, मतलब कांटे की टक्कर बताए। हाँ, कांटे की टक्कर है। ये साकिब अहमद थे, हालांकि आप देख सकते हैं कि अलाउंस भी हो रही है कि जो अभी यहाँ से जिस तरह से जो रुझान सामने आए हैं हमारे चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि जेडीयू से जेडीयू के जो उम्मीदवार कविता सिंह और दरौली विधानसभा क्षेत्र में अभी जो स्टार्टिंग जो रुझान आए हैं वो अभी स्टार्टिंग में अभी आगे जा रही हैं। हालांकि 400-450 मतों से उसी दूसरी तरफ अगर वही बात करें तो आरजेडी से हिना साहब सीवान विधानसभा क्षेत्र से स्टार्टिंग जो रुझान, जो पहली बार जो फर्स्ट रुझान आया है उसमें आगे जा रही हैं, तो अभी कह पाना कुछ भी मुश्किल है क्योंकि कांटे की टक्कर यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीवान में जो यहाँ पर जो लड़ाई है इस बार वो कांटे की टक्कर है, तो ये कहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, पूरी तरह से इसको नामुमकिन कहेंगे। जब तक क्लियर जो अधिकारियों के द्वारा जो रिपोर्टिंग नहीं आएगी तो हम भी कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में यह माना जाए सीधे तौर पर कि सीवान की जो लड़ाई है जेडीयू अब और आरजेडी के बीच अब रह गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो काउंटिंग के रुझान जैसे जैसे धीरे धीरे आएंगे और रिजल्ट जो सामने होगा, परिणाम जो सामने होंगे, उससे क्लियर होगा कि सीवान का जो ताज है वो किसके सर होता है। इसी तरह से अपडेट तमाम खबरें हम आपको ATN लाइव चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। हमारे सहयोगी नजरे आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, DAV कॉलेज सीवान।